हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड इज़ दैट फिनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि हम लोग जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उसको मेनली टू पार्ट में डिवीजन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोटिव क्या होता है, तो वो हमारे पास मेनली टू मोटिव्स है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसका जो वर्किंग का जो डिवीजन का टू पार्ट्स है वो कौन सा होता है, तो कि एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है और एक फिक्स कैपिटल के लिए होता है। बट उसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट क्यों अप्लाई करेंगे, तो उसके मेनली टू ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन है एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है और सेकेंड वन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। गाइज, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ये खास ध्यान देना है कि उसका जो वर्किंग एरिया होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल के लिए और फिक्स कैपिटल के लिए। बट अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, गोल पूछा जाता है, तो वो मेनली होगा टू, क्या होगा, तो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड वन इज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसमें कैसे वर्क होता है, या तो फिर कैसे हम लोगों को फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग द इनकम ऑफ द कंपनी। अगर हमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हमें हमारी जो कंपनी का इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग टोटल इनकम में से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, अगर हमारा इनकम मैक्सिमाइज होगा तो हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? फिर देन है कंपनी शुड ऑन अ मैक्सिमाइज प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स। हम लोग मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, तो कि फर्स्ट वन है अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन है डिविडेंड पॉलिसी। अब देखो गाइज, ये कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन है अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आपको डायरेक्टली कॉस्ट डाउन करना है, डायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमाइजेशन यूटिलाइजेशन करो, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो उसका, तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट डिक्रीज कर पाएंगे। और जितना कॉस्ट हमारा डिक्रीज होगा उतना डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर होने वाला है, प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर? फिर सेकेंड वन है डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी कैसे वर्क होता है गाइस, हम लोगों का जितना प्रॉफिट ज़्यादा होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा हम लोग हमारे जितने शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, उसको लिए अलाउ कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बचने चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर इट दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स ऑनली। अगर हमें हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा इनकम है, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो हमें कंपलसरी ऐसे ही प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए कि जिसके वजह से हमें क्लियर कट प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि जो लॉस वाले प्रोजेक्ट है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? कंपनी कैन इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमारा पर शेयर का जो टोटल इनकम है पर शेयर वाइज वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पर शेयर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो टोटल इनकम है वो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे हमें ध्यान किसके ऊपर देना है, एक तो आपको इनकम मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, और साथ में डिविडेंड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके वजह से हमारे पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बचने चाहिए। क्लियर? ऐसे ही परफेक्ट जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि जिसके वजह से हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा लॉस होगा, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? फिर सेकेंड वन हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ कैसे हम लोग मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, मेनली हम लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और सेकेंड वन वेल्थ के लिए करेंगे। क्लियर? तो उसमें देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नोन एज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको 1 मार्क के लिए गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स अ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो किसके लिए ज़्यादातर फायदेमंद हो सकता है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर? और जितना हम लोग फायदा शेयर होल्डर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर आने की कोशिश हो सकती है, यानी कि शेयर होल्डर इंक्रीज होने की चांसेस हो सकते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लो। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो कि कैश फ्लो के ऊपर, कितना कैश जा रहा है उसके ऊपर। क्लियर? देन है ओनली कैश फ्लो इज अ कंसिडर एज अ मेजरमेंट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर। यहाँ पे हम लोग जो हमारा प्रॉफिट होगा
उसको इग्नोर करेंगे और हमारे यहाँ से कितना कैश फ्लो हो रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे कि जितना ज़्यादा कैश जा रहा है कि उसके ऊपर से हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजन यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? अब ये जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग काउंट कैसे कर सकते हैं, तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ वेल्थ इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ यानी कि आपके पास जितनी वेल्थ है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस उसमें से हमें करना है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है या तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वैसी चीज़ें हम लोग क्या कर देंगे, उतना वेल्थ उसमें से माइनस कर देंगे और जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ। क्लियर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक द सच फाइनेंशियल डिसीजन बाय विच वेल्थ ऑफ द कंपनी मैक्सिमाइज्ड, यानी कि हम लोगों के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने अप्लाई किए हैं उसमें हमें खास तरीके से ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जिसके वजह से हमारी कंपनी का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। क्लियर? वेल्थ ऑफ द कंपनी इज अ मैक्सिमाइज्ड। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक रिलेशन जैसा कुछ चार्ट अवेलेबल है जिसको मैंने एस इन्फॉर्मेशन में डाला है, तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा और साथ में प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा। अगर हमारी कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है तो क्या होगा, तो कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल इंक्रीज। ऑफकोर्स अगर हमारी कंपनी का पोजिशन स्ट्रांग है फाइनेंशियली तो ऑफकोर्स हमारी जो शेयर है उसकी प्राइस भी कैसी होगी, तो कि इंक्रीज होगी। अगर हमारा शेयर मार्केट में स्ट्रांग बनता है तो उसके वजह से हमारे शेयर होल्डर को फायदा होगा, यानी कि शेयर होल्डर के हैंड में जो प्राइस वाला मतलब शेयर था वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि अल्टीमेटली उसका असेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? शेयर होल्डर्स असेट इंक्रीज यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ, जिसके वजह से शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसके वजह से शेयर होल्डर का असेट इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर का असेट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसका जो वेल्थ है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि भाई ये जो पूरा पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वाला वो किसके बेसिस के ऊपर फोकस करता है ज़्यादातर, तो कि हमारे शेयर होल्डर के लिए। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारे मेनली टू ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन एक तो प्रॉफिट के लिए था, सेकेंड वन वेल्थ के लिए था। प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने क्या देखा उसमें, तो कि हमें इनकम मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का, और डिविडेंड पॉलिसी अच्छा रखना है। ऐसे ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि जिसके वजह से फायदा हो सकता है। अब है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग वेल्थ का कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि हमारे पास जो राइट नाउ का प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से हमें माइनस करना है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड्स, और वो जो वैल्यू हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये ज़्यादातर प्रॉफिट के ऊपर से मेजरमेंट नहीं लेगा, डिसीजन नहीं लेगा, बट किसके बेसिस के ऊपर लेगा, तो कि कैश फ्लो के बेसिस के ऊपर। क्लियर? जितना कैश आपके यहाँ से आ रहा है जा रहा है उसके बेसिस के ऊपर आपका बिजनेस का मेजरमेंट होगा। और अगर कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है तो क्या होगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर का असेट इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर का असेट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसका जो वेल्थ है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहां पे आप सेकंड वन पॉइंट में देख सकते हो, द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स अ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली उसके वजह से किसका वेल्थ इंक्रीज होने वाला है, शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर हमारे ट्रू इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसका अगर फायदा होता है तो अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर मार्केट में हमारा प्रेस्टीज इंक्रीज होगा, ज़्यादा शेयर होल्डर इन्वेस्टर हम लोग मिल जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर हमें कभी कैपिटल इंक्रीज करना है तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो सकता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट।